जो काका जी के सवाल है कि आंदोलन है, इस तरह के लोग अगर आंदोलन मिल जाए तो भाई धन्यवाद है, जिला और देश सुधर जाए। मैं शुरू कर लेते हैं, जो लोग वो अपना चला लें। आपका धन्यवाद सभी का। आज अध्यक्ष जी, इस मीटिंग के अध्यक्ष जी और पालघर, ये जगह, ये क्रांतिकारी जगह है पालघर। पालघर वो क्षेत्र है जो एक आदिवासी क्षेत्र है और इसमें जिस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ के जो इशू है, बुलेट ट्रेन का एक बड़ा यहाँ का इशू है, क्योंकि पहले चर्चा उसकी कर ले कि जिसके घर पाए जिन्होंने बुलवाए उनकी भी चर्चा जरूरी है। उन्हें आज प्रेस के माध्यम से कम चला जाएगा। जो ट्रेडिशनल से यहाँ की खेती होती थी, जो यहाँ के जंगल थे, वे धीरे धीरे खत्म होंगे। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ेगा तो वो खत्म होंगे। वो बुलेट ट्रेन का मामला हो, यहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे निकल रहे हो, या जो बंदरगाह बन रहा है यहाँ पे, बहुत बड़ा बंदरगाह, और ये भी कंफर्म है, बाड़ोल ये भी कंफर्म है कि वो बंदरगाह बनाएगी सरकार और जाएगा अडानी को। अडानी को जाएगा, वो ऐसे नहीं जाएगा, अडानी को जाएगा। और ये जो किसान है, जो आज अपने गांव में, जंगलों में, अपने उसमें रहते हैं, सरकार को काम करना चाहिए। जो ये फसलें वहां पर उगाते हैं, ये हमने जितने तरह की यहाँ पे फसलें देखी, अगर इसका, ये ट्रेडिशनल फसलें हैं, ये लोकल की फसलें हैं, ये ऑर्गेनिक फसलें हैं, इसका अगर सरकारें मार्केटिंग करें तो इन किसानों को बहुत फायदा, इन किसानों को होगा। ये ऑर्गेनिक चीजें हैं, इनको बॉम्बे में दुकानें खुल जाए, दिल्ली में खुले तो फायदा होगा। आज ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि हमारी जमीन कैसे बचे। जमीन बचेगी अगर काका जी जैसे आंदोलनकारी आपके बीच में हैं, जो यहाँ की भूमि सेना है। ये देश में पहली जगह देखा कि भूमि सेना बनी हुई है। भूमि सेना का मतलब है कि अपनी भूमि की स्वयं रक्षा करना। हम यहाँ पे कल से हैं, हम रात को भी गांव में रुके, जंगलों से कितना प्यार लगाव इन लोगों को है कि गाड़ी स्कूटर ना घूमे लेकिन पेड़ नहीं काटना। वे पुराने पुराने फलों के पेड़ आज भी इनके जंगलों में, इनके घरों में, इनके खेतों में हैं, उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं करा। आज भी यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है, इन्होंने कहा कि अपना गांव अपनी सरकार, जो ये कॉन्सेप्ट है, जो पंचायती राज का पूर्ण रूप से जो देखने को मिला, उसका जो असर देखने को मिला, वो पालघर में आदिवासी क्षेत्रों में मिला है। जो पर्यावरण का सबसे ज्यादा रखवाला है तो ये आदिवासी लोग हैं। और पूर्ण रूप से हमारी ये भी थी, और टिकैत साहब का हमेशा ये रहा है कि जल, जंगल, जमीन पे उसका अधिकार हो जो वहां पे निवास करता हो, जो उनकी रक्षा करता हो, जो उनकी सुरक्षा करता हो। धीरे धीरे शहरीकरण अगर बढ़ेगा तो शहर जैसे जैसे बढ़ेगा तो गांव को खत्म करेगा। ये लड़ाई आज जितनी महिलाएं, माताएं, बहनें, बच्चे यहाँ पे आए, जो यहाँ पे आदिवासी जो लोग हैं वे आए, उनकी लड़ाई ये है कि जमीन ने जा रही है, वे बहका के आपकी जमीन ले लेंगे। कुछ गांव के लोगों ने बताया कि हमारी जमीन ने ली, सरकार ने बहका के जमीन ने हमारी ली, और एक ही गांव में दो दो रेट दिए। तो ये एक उनका फंडा होता है जमीन छीनने का। जमीन बिके वो इस तरह से जमीन को खरीद करते हैं कि एक आदमी को पटाया, उसने जमीन का एग्रीमेंट कर ले सीधा, वे बैनामा करवाते हैं बड़ी कंपनियां। आपको बड़ा लालच देंगे कि हम नौकरियां देंगे, वो देंगे तो उनसे बच के रहना, इस बहकावे में आपको नहीं आना। और आप जमीन नहीं दोगे तो वे आएंगे नहीं। आपको उनको हाईवे बनाना होगा, विकास करना होगा, तो आपकी कंडीशन पे वे जमीन ले लेंगे। कंडीशन आपकी होगी, कंडीशन उनकी नहीं होगी। और आपने जो निर्णय लिया है कि हमको जमीन देनी नहीं, ठीक है साहब, भी एक बार एक आंदोलन में गए, भूमि अधिग्रहण के आंदोलन में नोएडा के अंदर, उन्होंने कहा जी मुआवजा ये कम दे रहे, ज्यादा दे रहे। उन्होंने कहा भाई
हमको बुलाया कैसे? अब जी मुआवजा बढ़ जाएगा भाई, हमने तो मुआवजा बढ़ाने की लड़ाई लड़ी नहीं, हम तो लड़ाई उसकी लड़ते हैं कि जो अपनी जमीन ना देता उसकी तो हम लड़ाई लड़ते हैं। तो ये कम से कम ये क्षेत्र हमको मिला जिसने कहा कि हमको अपनी जमीन देनी नहीं, तो धन्य है ऐसे परिवार ऐसे लोग कि जिन्होंने कहा कि इस जमीन से हमारा लगाव है, हमको जमीन देनी नहीं। अभी यंग की बात हुई, यंग के तीन चार मसले यंग के हैं। अभी एक बड़ा इशू जो पिछले एक साल से दिल्ली में एक आंदोलन चला हुआ है, वो आंदोलन भी बहुत मसलों का आंदोलन है, वो पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आज भारत सरकार ने लिया और धन्य है ये जिला महाराष्ट्र पालघर जिला, यहां पे हम थे और वो निर्णय यहां पे आया। तो हमेशा पालघर को हमेशा याद रखा जाएगा। और हमने काका जी को कहा कि इस आंदोलन का, दिल्ली के आंदोलन के जो साक्षी हैं, वे हमेशा इनको याद करते रहेंगे, काका जी को याद करते रहेंगे। अभी 80 साल के करीब की उम्र होगी है, अब 86 है, 5, 7, 10, 15 साल और खींच लेंगे। इनकी बढ़िया मूर्ति बनवानी है, जगह देखनी काम नहीं आएंगे। हमेशा आंदोलन का प्रतीक रहना चाहिए, ये जमीन बिरसा मुंडे की है जिन्होंने उस टाइम पे आंदोलन कर अपना जल जंगल जमीन बचाने के लिए, ये हमेशा आदर्श रहेंगे हमारे किसानों के। और आदिवासी कोई जातियां नहीं होती, आदिवासी देश में जो भी 70% 60% लोग गांव में रहते हैं, शहर के लोग उनको आदिवासी ही मानते हैं, हम भी आदिवासी ही हैं, कोई अलग बिरादरी नहीं है। हम थोड़ा सा शहरीकरण हो गया, आप थोड़े से लेट हो, हैं एक ही यहां पर चाहिए। जैसे ये भवन जो महल बना हुआ है, इस तरह का हॉस्पिटल बनने चाहिए यहां पर। मतलब हॉस्पिटल नहीं बनेंगे। मैं गया इस जिले से, मेरा करीब 20 साल से संबंध रहा है पालघर में, हम करीब 20 साल पहले भी आए और मैं 10-10 दिन यहाँ पर रह कर गया। जैसे ये भवन जो महल बना हुआ है, इस तरह का हॉस्पिटल बनने चाहिए यहाँ पर। मतलब हॉस्पिटल नहीं बनेंगे। मैं गया इस जिले से, मेरा करीब 20 साल से संबंध रहा है पालघर में, हम करीब 20 साल पहले भी आए और मैं 10-10 दिन यहाँ पर रह कर गया। जहाँ के विधायक ही है हमारे धानू जो क्षेत्र है, वहां पे हम कई कई दिन वहां पर रह के गए। पूरा चीकू का पूरा जो बेल्ट है, हमारी आज भी बात होती है वहां के किसानों से। उन्होंने कहा कि अब की बार चीकू का किसान बर्बाद हुआ है, लॉकडाउन में बर्बाद हुआ पिछले साल में, अब की बार उसमें कीड़ा आया है। उसके जो फसलों के रेट थे, वो रेट 4 से 5 रुपए किलो उसका चीकू गया है और धीरे धीरे ये जंगल हमारे खत्म होते जा रहे हैं। जब भी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हिमाचल के सेब की बात हुई तो धानों के चीकू की भी बात उसमें जरूर आई, क्योंकि यहाँ एक मंदिर एक आश्रम है, हम उसमें आते रहते हैं। आज भी हमको वहां जाना था लेकिन नहीं जा पाए। तो धन्यवाद है आप लोगों का। और भारत सरकार ने जो कहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो 3 काले कानून थे वे वापसी ले लिए, मैं उसकी जरा डिटेल आपको बता देता हूँ। 2011 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक फाइनेंशियल कमेटी एक बनी थी, उसमें और भी कई मुख्यमंत्री थे, ये उस कमेटी के चेयरमैन थे। और एक ड्राफ्ट इन्होंने बनाकर दिया था कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए 2011 में। उस टाइम के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको वो ड्राफ्ट दिया। उन्होंने कहा कि एमएसपी पे कानून इस कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाया, इसको हटाना पड़ेगा। ये आंदोलन में हमारे साथ थे, विपक्ष की भूमिका ही निभाते थे, हमने बड़ी भूमिका निभा के उस सरकार को हटाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी, एमएसपी पे गारंटी कानून देंगे, सीट बिल है वो नहीं आएगा हाउस के अंदर। स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है, C2+50 वाला फार्मूला, वो हम लागू करेंगे, इन्होंने घोषणा पत्र में दिया। 2012 में ये जो काले कानून है, 2012 में भी वो कांग्रेस की सरकार इस काले कानूनों को लेकर आई थी,
उस टाइम के राज्यसभा और लोकसभा में जो हमारे बीजेपी के जो लीडर थे अरुण जेटली और सुषमा स्वराज, इन दोनों ने बयान वहां पे दिए कि ये काले कानून हैं और जो मंडियों में खरीद आड़ती करता है वो किसान का एटीएम कार्ड है, कभी भी उससे पैसे ले ले, उनके वीडियोज पड़े हुए हैं। उस टाइम पे विरोध हुआ ये काले कानून, 12 में वापसी हुए। हमारा सवाल भारत सरकार से और मीडिया के लोगों से ये है कि ये जरूर छाप दो कि 8 साल के अंदर जो 2012 में काले कानून थे वे 2020 में सफेद कैसे हुए। या तो उस टाइम पे वे सफेद कानून थे या फिर आज ये काले कानून हैं। 2000 में 12 के कानून सफेद कैसे हुए इसका जवाब इस सरकार ने नहीं दिया। आज उन्होंने कहा कि हमने वापसी ले ली, ठीक है आपने वापसी ले ली, बातचीत करके वापसी होंगे मोदी जी, एक ड्राफ्ट उसका बनेगा जो भारत सरकार ने तय किया था, जो 11 दौर की बातचीत हुई थी उसमें तय यह हुआ था कि एमएसपी को गारंटी कानून बनाएंगे, 3 काले कानून ये जो आप बताते हैं इनको वापसी लेंगे, ये धरना खत्म हो जाएगा और एक कमेटी बनेगी जो सीड बिल है, जो दूध की एक पॉलिसी आ रही है, जो पोल्यूशन की पॉलिसी है, जो पानी की पॉलिसी है, भूमि अधिग्रहण की पॉलिसी है, इस पे एक कमेटी बनेगी, भारत सरकार के लोग रहेंगे और जो किसान मोर्चा है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके लोग रहेंगे और वो समय समय पर बातचीत करते रहेंगे। आपने कानून वापसी लिया, इसको पार्लियामेंट में लेकर आओ, हमको सर पे टिकट चाहिए। ये सर पे टिकट मिल जाएगा और एमएसपी पे गारंटी कानून मिल जाए, बन जाएगा। जब कानून बन जाएगा तो जो मेरी हमारी बहनें यहाँ पे हैं, ये धान की खेती करती है, अगर इनको 5 क्विंटल धान कहीं बेचना हो तो 1800-1900 रुपए का उसका रेट है, ये जाके बाजार में उसको बेच सके। हमको ये कानून चाहिए, ये नहीं कि ये बेचेंगी और 800-900 रुपए में बेचेंगी। ये धीरे धीरे कहते हैं कि इस कानून में खराब क्या था, मंडियों के बाहर आप खरीद करोगे और मंडियों की जमीन को आप बेचोगे, ये पूरे देश की प्रॉपर्टी को बेचना चाहती है ये सरकार, मंडी के बाहर खरीद करेंगे और मंडी की जमीन बेचेंगे। ये कहते हैं कि किसान अपनी फसल मंडी के बाहर बेच ले, जैसे ट्रेन बगैर प्लेटफार्म के नहीं रुक सकती, ऐसे ही किसानों का मंडी एक किसान का प्लेटफार्म है जहां पर वो अपनी फसलें जाकर बेच सकता है। मध्य प्रदेश की 182 मंडी बेच रहे हैं, हरियाणा में हम गए करनाल के अंदर, वहां की मंडी की एक जगह बेच रहे, उन्होंने कहा कि खाली जमीन पड़ी हुई हम बेचेंगे, अपनी गांव समाज की जमीन भी ये बेचने का काम करेंगे, कंपनियों को देंगे, इनके प्रस्ताव आ रहे हैं। जो भी सरकारी प्रॉपर्टी होगी ये उनको देंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने बेच दी, भारत पेट्रोलियम जो कालटेक्स कंपनी एक होती थी अमेरिकन, और उस कंपनी ने जब 62 में 65 में तेल देने से मना करा हमको तो वो कंपनी का अधिग्रहण किया गया था, आज वो कंपनी भी बेचती। इन्होंने रेलवे को प्राइवेट कर दिया, हवाई जहाज बेचे, बंदरगाह बेचे, पूर्ण रूप से जो बंदरगाह आपके पास में पड़ना है इसका असर सीधा यहाँ के मछुआरों पर पड़ेगा, यहाँ के जो किसान है उनके ऊपर पड़ेगा, आप अंदर जा ही नहीं सकते, इस तरह के प्लेटफार्म बनेंगे, इस तरह के बंदरगाह बनेंगे कि लोकल मछुआरा वहां जा नहीं पाएगा और पूर्ण रूप से जो मछुआरा है वो एक किस्म से समुद्री किसान है, वो बर्बाद होगा। तो हमको उस आंदोलन में शामिल रहना है और आप संयुक्त मोर्चे के हिस्सेदार हो, यहाँ के बहुत से लोग संयुक्त मोर्चे में दिल्ली गए हैं और जब जब भी आपको जरूरत होगी हम 28 तारीख में भी बॉम्बे में आएंगे और जहां भी जब भी आपको जरूरत होगी हम पूर्ण रूप से आप किसानों के बीच में, महिलाओं के अधिकारों का मामला हो या जमीन का सवाल हो या भारत सरकार से लड़ने का सवाल हो, देश का किसान वो राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का है, पंजाब हरियाणा राज्य इन जगह के वो एक देश की राजधानी को पिछले 1 साल से घेर कर रखा हुआ है, जब तक मसलों का समाधान नहीं होगा हम वहां से वापसी जाने वाले हैं नहीं। आप यहां पर लड़ाई लड़ो, जो भी संयुक्त मोर्चे का फैसला होता है
पूरा देश का किसान उस पर अमल करता है। आप नहीं नहीं हाथ से टकला दे, ये लड़ाई उसकी नहीं कि छोटा किसान है या बड़ा किसान है। यहाँ पे बात हुई कि हमको ट्रैक्टर मिल गया, एक आज ट्रैक्टर यात्रा में रहेंगे। आज देश के किसान की ये हालात है कि एक और दो ट्रैक्टर मांगने पड़ रहे, इस तरह के हालात पैदा क्यों करें? ये किसान भी आपका है, आप यहाँ से आवाज दोगे तो आपके नाम के हजारों ट्रैक्टर, जो 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चला था 26 जनवरी को, वो ट्रैक्टर भी वही है और वो आदमी भी वही है। यहाँ पे भी सरकारें अगर आपके साथ में नाइंसाफी करेगी तो संयुक्त मोर्चा पूरे देश भर में ये लड़ाई लड़ेगा। आप बहादुर हो और काका जी जैसे इस उम्र में भी आंदोलनकारी आपके बीच में, यहाँ पे और भी बहुत साथी हैं, आंदोलनकारी साथी हैं पूर्ण रूप से, मैं उनको 2-3 चीजें और बताऊंगा कि प्रेस के लोगों से आप बातचीत जरूर करते रहें, क्योंकि प्रेस ही एक माध्यम है सरकार तक बात पहुंचाने का। आप उनसे बातचीत करें, प्रेस के लोगों को अपना बनाए। प्रेस के लोग कोई सरकार के लोग नहीं होते, प्रेस के लोग एक दूत का काम करते हैं, हमारे बीच से सरकार तक खबर पहुंचाने का काम यही तो माध्यम है। तो इनको ऐसा नहीं कि ये आगे इनको पकड़ हटाओ, ये इनसे दुर्व्यवहार नहीं, इनसे प्यार से बात करो, इनसे तो आपकी खबरें देंगे। तो यहाँ पे जो लोग भी आए उन सबका धन्यवाद, जितने भी महिलाएं माताएं बहने बच्चे आए उनका धन्यवाद, और जो भी हमारे MP लीडर्स जो यहाँ पे आए हैं, जो इंडिपेंडेंट जीत का आए किसी पार्टी से नहीं, इन विधायकों का भी धन्यवाद, और जो भी दिल्ली और हरियाणा से हमारे सरदार जी, पंजाब से हमारे आए, इनका भी धन्यवाद। और आज गुरु गोविंद सिंह जी का पर्व है, बड़ा धूमधाम से हम मना रहे हैं। तो मोदी जी ने ये चाहा कि जो सरदार कौम है, आज गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन पे इनके उसे ही हाँ वो कर ले, लेकिन इनको क्या क्या चीज आपने कही वो कैसे भूल सकते हैं? ये आपने देश के किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताया, 750 किसान हमारे शहीद हुए, उनसे भी एक बार सॉरी फील कर लेनी चाहिए। तो हमको भी लगा कि ये प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। तो आपका धन्यवाद।